बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नादिया लियाकत एंड टुडे माय टॉपिक इज़ इनपुट एंड इट्स टाइप्स एंड कीबोर्ड। इट्स फर्स्ट इनपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। इट्स माय लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इनपुट क्या होती है। इनपुट एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर सच एज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो हम कंप्यूटर में जो भी चीज़ जो भी अल्फ़ाबेट्स जो भी नंबर्स जो भी डिजिट्स जो है एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट। जो भी हम इनपुट करते हैं उसको हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। द डिवाइस विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। और वो तमाम डिवाइसेस जो कि हमें हेल्प आउट कर रही हैं इनपुट डिवाइसेस इनपुट एंटर करने में, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। एंड इनपुट डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन अप्लाइंसेस। देर आर टू मैथड्स ऑफ एंटरिंग डाटा इन कंप्यूटर, डायरेक्ट इनपुट और एंड इनडायरेक्ट इनपुट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट मैथड डायरेक्ट इनपुट को। इन दिस मैथड डाटा डायरेक्टली इंसर्ट इन टू अ कंप्यूटराइज सिस्टम फ्राम इनपुट डिवाइसेज। इसमें क्या होगा कि डाटा डायरेक्ट इंसर्ट होगा, जैसे कि माइक्रोफोन से आप जो डाटा एंटर करते हैं वो डायरेक्ट जो है विदाउट एनी अदर मीडियम या विदाउट एनी काइंड ऑफ इनकोडिंग जो है एज इट इज़ डिस्प्ले होता है। आपकी जो वॉइस है आपको फ़ौरन ही स्पीकर में जो है वो सुनाई देती है एज इट इज़ होती है। डिजिटल कैमरा को हम बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आउटपुट स्क्रीन भी होती है और ये पिक्चर की इनपुट भी लेता है। सो डिजिटल कैमरा भी जैसे ही आप पिक्चर को कैप्चर करते हैं फ़ौरन ही आपको डिस्प्ले जो है वो दे देता है। फिर स्कैनर भी जो है वो इमेज की इनपुट लेता है एज इट इज़। इनडायरेक्ट इनपुट, इनडायरेक्ट इनपुट मेथड क्या होता है। डाटा इंसर्टेड इनटू अ कंप्यूटराइज सिस्टम विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। कुछ इंटरमीडिएट हैंडलिंग इन्वॉल्व होती हैं जो कि इनकोडिंग करती हैं, यानी कि उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी में कन्वर्ट करती हैं। इनडायरेक्ट डिवाइसेस ट्रांसलेट सम एक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनटू डाटा। फॉर एग्जांपल अ कंप्यूटर माउस आर रोटरी इनकोडर कंटेनिंग अ नॉब फॉर मूवमेंट एंड अ बटन फॉर एक्टिवेशन। यानी कि जो माउस के बटन्स होते हैं वो इनकोड होते हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर उनको रिस्पॉन्स करता है। कीबोर्ड, माउस और बारकोड स्कैनर जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट जो है इनके जो मेथड्स हैं उनको हम डायरेक्ट इनपुट मेथड्स बोलते हैं। आप चलते हैं अपने इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कीबोर्ड जो है ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। उसके बाद पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, ये बहुत सारी हैं जिनमें की हमारे पास माउस जिसमें जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल वगैरह शामिल है या टच स्क्रीन शामिल है। और फिर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जैसे कि बारकोड स्कैनर वगैरह या फिर स्मार्ट कार्ड जो हैं वो हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती हैं। अब देखते हैं कीबोर्ड क्या होता है। आज हमने कीबोर्ड को डिटेल के साथ करना है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे दे आर ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस, और कीबोर्ड जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन समटाइम ये आ भी जाता है पेपर में। मोस्टली कीबोर्ड में से जो ये आपके सामने डेफिनेशन डिस्प्ले है जस्ट इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा फर्दर डिटेल नहीं पूछी जाती कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। यही क्वेश्चन होता है मोस्टली ऑफ द टाइम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ अ टाइप राइटर स्टाइल इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर करेक्टर एंड फंक्शंस इन टू कंप्यूटर सिस्टम बाई प्रेसिंग बटन्स और कीज़। इट इज़ अ प्राइमरी डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स। अ कीबोर्ड टिपिकली कॉन्टेन्स कीज ऑफ इंडिविजुअल लेटर नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर्स एज वेल एज कीज़ फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट बटन्स मौजूद होते हैं, कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट बटन्स मौजूद होते हैं जो कि लेटर्स को, नंबर्स को, स्पेशल करेक्टर्स को या डिफरेंट फंक्शंस को डिस्प्ले करते हैं। वो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये आगे डिटेल से देखते हैं। हमारे सामने अब एक कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है उसका इमेज डिस्प्ले है। इसको जो आपके सामने कीबोर्ड डिस्प्ले है इसको हम क्वार्टरी कीबोर्ड बोलते हैं, जो कि एक कॉमन यूज़ होने वाला कीबोर्ड है। इसके जो फर्स्ट हमारे पास जो 6 डिजिट्स हैं
सॉरी फर्स्ट जो सिक्स लेटर्स हैं दे आर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, 1 2 3 4 5 6, ये जो फर्स्ट आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं इस वजह से हम इसको क्वार्टरी कीबोर्ड बोलते हैं। द स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ, इसमें जो नंबर ऑफ कीज़ हैं वो 101 भी होती हैं, कुछ कीबोर्ड्स में 100 भी होती हैं, 103 भी होती हैं। सो अगर पेपर में ये एमसीक्यू में आ जाता है सो आपने इसको देख लेना है कि अगर इनमें से जो भी आपको लग रही है कि नीरेस्ट ऑप्शन है उसी को ही आप जो है उसको उसी को टिक कीजिएगा। द स्टैंडर्ड ले आउट ऑफ की लेटर्स नंबर्स एंड पंचुएशन इज़ नॉन एज क्वार्टरी की बिकॉज द फर्स्ट सिक्स टाइपिंग कीज ऑन द टॉप रो ऑफ लेटर स्पेल इज क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। देर आर फाइव मेन पार्ट्स टू मोस्ट कीबोर्ड कीबोर्ड्स, वो फाइव पार्ट्स कौन से हैं? अल्फ़ाबेट कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड कीपैड, एरो और मूवमेंट कीज़, एडिशनल और कंट्रोल कीज़ एंड फंक्शनल एंड फंक्शन कीज़। ये सब कीज़ कैसे काम करती हैं ये हम वन बाय वन अब देखते जाएंगे। क्वार्टरी कीबोर्ड की आपके सामने एक डायग्राम डिस्प्ले है जिसमें ये जो सारे पार्ट्स हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं। ये जो आपको F1 से F12 तक कीज़ नज़र आ रही हैं ये फंक्शन कीज़ होती हैं। एंटर की जो है ये दो जगह मौजूद होती है कीबोर्ड में, एक तो जो राइटिंग टाइपराइटर कीबोर्ड है उसके साथ होती है और एक नंबर जो न्यूमेरिक कीपैड है इसके साथ होती है। ये मूवमेंट कीज़ होती हैं अप डाउन और राइट लेफ़्ट, और फिर एडिशनल कीज़ होती हैं जिसमें डिलीट इंसर्ट होम एंड ये सब बटन्स होते हैं, आप इनको गेम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर ब्रेक की होती है जो कि प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं। प्रिंट स्क्रीन जो है वो आपकी कंप्यूटर जिस तरह आप लोग मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल की जो है, आल्ट की जो है, शिफ्ट की जो है, ये हमारी जो है ये कंट्रोल कीज़ कहलाती हैं जो कि डिफरेंट मेथड्स में इनका इस्तेमाल होता है। अब हमको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन कीज़ क्या होती हैं। द फंक्शन कीज़ और एफ़ कीज़ ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड लेबल्ड F1 थ्रू F12 आर, ये टोटल 12 होती हैं इसलिए F1 से F12 तक होती हैं, आर कीज़ विद अ स्पेशल फंक्शन डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और द रनिंग प्रोग्राम, दे मे बी कॉम्बाइंड विद द आल्ट और कंट्रोल। इनमें से कुछ कीज़ हैं वो डायरेक्ट प्रेस करने से एक्शन परफॉर्म कर देती हैं और कुछ कीज़ जो हैं वो कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं, यानी आप उन्हें कंट्रोल बटन के साथ यूज़ करते हैं तो वो काम करती हैं या आल्ट बटन के साथ। लाइक ये जो आल्ट का बटन और F4 का बटन अगर आप इकट्ठे प्रेस करो तो ये कोई भी एक्टिव विंडो जो है उसको क्लोज करने में मददगार होता है। F1 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है जो कि जो भी हेल्प होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की उसको ओपन कर देती है और आप उससे जो भी हेल्प लेना चाहें ये आपको बताती है। F2 जो है ये रीनेम करती है फाइल को या फोल्डर को। F3 जो है ये सर्च फीचर के लिए यूज़ होती है। F4 जैसे बताया कि क्लोज़ करती है विंडो को। F5 जो है ये रिफ़्रेश करती है, ठीक है। F6 जो है ये कर्सर को इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर जो है एड्रेस बार के ऊपर मूव करती है। F7 जो है ये स्पेल चेक के लिए या ग्रामर के लिए यूज़ होती है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस। F8 जो है ये यूज़ होती है बूट मेन्यू के लिए, जब आप विंडो को ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो ये कुछ कंप्यूटर्स में F8 यूज़ होती है और कुछ में ये F10 भी यूज़ होती है। जो अब लेटेस्ट आ रहे हैं कंप्यूटर उनमें F10 यूज़ होती है एज अ ओपन सिस्टम फाइल्स फॉर ओपन सिस्टम फाइल्स। F9 जो है ये रिफ़्रेश करती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को और F10 का एक और वर्किंग भी है यहाँ पे, एक्टिव द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन शिफ्ट प्लस F10 अगर प्रेस करें तो ये एज अ राइट क्लिक भी काम करती है। F11 जो है ये एंटर और एग्जिट करने के लिए यूज़ होती है फुल स्क्रीन मोड को। F12 जो है ये ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने के लिए यूज़ होती है। बच्चों ये जो आपके सामने हर की का जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट हो सकती है। सो यहाँ पे कुछ बेसिक्स थी जैसे F1 सब में कॉमन है, F5 सब में कॉमन है और F4 सब में कॉमन है, बाकी सब की जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है।
ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए मैं इस टॉपिक को इतना ज़्यादा डिफाइन कर रही हूँ, अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं। अच्छा, न्यूमेरिक कीपैड हमारे सामने यहाँ ब्लैक कलर से ये न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड नज़र आ रहा है। वैसे न्यूमेरिक कीज़ जो हैं ये दो जगह पे होती हैं, अल्फ़ाबेट एरिया के ऊपर भी आपको ज़ीरो से लेके वन से लेके ज़ीरो तक कीज़ नज़र आ रही हैं, ये बटन्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे अलग से जो नंबर कीपैड है, न्यूमेरिक कीपैड है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। नम लॉक बटन को ऑन करते हैं तो ये वाली कीज़ एक्टिव होती हैं, अदरवाइज़ ये कीज़ जो हैं ये ऑफ़ रहती हैं। ठीक है, ये 10 होती हैं टोटल, इन्हें पाम साइज़ बोलते हैं और उसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है ये हर कीबोर्ड में ये पाई जाती हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का इनका कैलकुलेटर की शेप स्टाइल में ये मौजूद होती हैं। उसके बाद एरो और मूवमेंट कीज, गेम्स में आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पेज को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, राइट करने के लिए, लेफ़्ट करने के लिए। ठीक है, अल्टरनेटिवली रेफर टू अ कर्सर की, इससे आप कर्सर की मूवमेंट को भी जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्हें नेविगेशन कीज भी बोला जाता है, नेविगेटर्स जो कि इशारा कर रहे होते हैं, आपको रास्ता बता रहे होते हैं, आपको रोड्स पे भी राइट लेफ़्ट के इंडिकेटर्स नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कीबोर्ड है इसके अंदर ये सेंटर में मौजूद होती हैं ये कीज़ जो हैं, हर कीबोर्ड के अंदर आपको ये नज़र आती हैं, और ये चार होती हैं डाउन, जैसे आपको बताया अप डाउन राइट लेफ़्ट, चार जो हैं हमारे पास नेविगेटर या एरो या मूवमेंट कीज़ होती हैं। उसके बाद है हमारे पास अल्फ़ा नुमेरिक कीपैड, ये सेंटर में होता है। अल्फ़ा नुमेरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको जो टॉप पे कीज़ नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और उसके बाद आपको नीचे अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि 1 के ऊपर जो है यहाँ पे एक सिंबल है, 2 के ऊपर जो है एट द रेट सिंबल है, 3 के ऊपर हैशटैग सिंबल है, 4 के ऊपर डॉलर है, 5 के ऊपर परसेंटेज साइन है, 6 के ऊपर कैरेट साइन है, 7 के ऊपर एंड साइन है, 8 के ऊपर स्टेरिग है, 9 के ऊपर स्मॉल स्टार्टिंग क्लोजिंग स्टार्टिंग स्मॉल पैरेंथेसिस है, और 0 के ऊपर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। सो ये कॉम्बिनेशन कीज़ हैं, डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो नंबर आएंगे, और अगर शिफ्ट के साथ इनको यूज़ करेंगे तो शिफ्ट के साथ अगर 2 प्रेस किया तो ऐट द रेट आएगा। ठीक है, इस तरह से ये तमाम कीज़ जो हैं ये यहाँ पे प्लेस्ड हैं। इसी एरिया में आपको बैक स्पेस नज़र आती है, जो भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं उसमें कर्सर की मूवमेंट लेफ़्ट अलाइन होती है, यानी कि जो डाटा आप डिलीट करते हैं वो लेफ़्ट साइड से डिलीट होता है। ठीक है, शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी कॉम्बिनेशंस और कंट्रोल कीज़ कहलाती हैं। एडिशनल और कंट्रोल कीज़, ठीक है, एडिशनल और कंट्रोल कीज़ क्या हैं? कंट्रोल CTRL इज़ अ मॉडिफायर की विच वैन प्रेस्ड इन कंजक्शन विद अनदर की, जब आपको इसे किसी और की के साथ इस्तेमाल करना होता है। कंट्रोल की बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है, जैसे अगर आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हो कीबोर्ड से तो जो भी डाटा है वो कॉपी हो जाता है। इसी तरह से बाकी कीज़ भी, अगर आप आल्ट प्लस F4 करो तो फाइल जो है वो क्लोज़ हो जाती है, और शिफ्ट के साथ भी आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप डी को प्रेस करेंगे तो डी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं ये स्मॉल ABC को प्रिंट करती हैं। उसके बाद जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस आई होप सो आपको कीबोर्ड जो है, अगर आप इससे पहले नहीं जानते थे कीबोर्ड के बारे में, तो आपको कीबोर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक के हवाले से अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।